केशकाल में कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी येदुवेल्ली अक्षय कुमार ने संवेदनशील ग्राम कुएमारी में विकास कार्यों का जायजा लिया है। कलेक्टर और एसपी ने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर एजेंसी के प्रतिनिधियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया है। गौरतलब है कि कुएमारी गाँव में सड़क निर्माण के दौरान 25 मार्च 2021 को नक्सलियों ने 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कैंप की स्थापना कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पूरे हमारे अंदरूनी क्षेत्र है पूरे जिले में, वहां पे भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और राज्य शासन द्वारा जो हमारे कुएमारी क्षेत्र है वहाँ के लिए विशेष पहल करते हुए 24 किलोमीटर की जो है सड़क वो जो है स्वीकृत की गई है, जिसमें की बीटी सड़क भी है और कुछ सीसी सड़क भी है। तो इसका कार्य जो है प्रगतिरत है और वर्तमान में 24 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है। लास्ट का पैच जो 8 किलोमीटर का है जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र में पड़ता है उसका कार्य चल रहा है और शीघ्र ही जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा कोंडागांव जिले के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए और उनके लिए जो वहाँ पे रहते हैं उन पंचायतों को बहुत बड़ी ये सौगात मिलेगी। और इस कार्य के लिए जो है निरंतर रूप से जो है सुरक्षा बलों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। डेली वहाँ पे रोड ओपनिंग पार्टीज निकलती है, फिर वहाँ पे मुआयना करती है, तदुपरांत ठेकेदार द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसके तहत ही आज एसपी साहब के साथ, एडिशनल एसपी साहब के साथ और जिला प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पे दौरे पे गई थी।